से पूरा घटनाक्रम हुआ किस तरह से देखते हैं, क्या माहौल ऐसा रहा कि इतनी बड़ी घटना हो गई? नहीं देखिए, तो बहुत बड़ी चूक है प्रशासन और जो प्रशासन के अधिकारी हैं जिनका बड़ा उतावलापन है, क्योंकि अभी वो जब कोर्ट अप्रोच जिन लोगों ने करा था उन्हें 14 तारीख की डेट उनके पास थी, लेकिन जल्दबाजी में और बिना कॉन्फिडेंस में लिए हुए वहाँ के जो लोग हैं, जो मौजूद लोग हैं, जो उनके मौलाना लोग हैं, उनको कॉन्फिडेंस में लेके बात करी जाती है, आप एकदम वहाँ पहुँच जाते हैं और बिना इन्फॉर्मेशन के और ऐसी कार्रवाई को अंजाम दिया। लेकिन अनुचित हुआ जो भी हुआ, आज आज़ादी के बाद से आज तक कभी अडवाणी शहर में ऐसा हमने कभी नहीं देखा, तो बड़े बड़ा काला दिन है, बड़े दुख का विषय है और बड़ा जो पूरी चीज़ हुई उसमें मेरे को बहुत दुख है। और जितने भी पुलिसकर्मी हो, आम जनमानस के जो लोग हैं, जिनको भी इंजरीज हुई हैं, जो भी परेशान है, मेरी संवेदना है उनके। विधायक जी, कार्रवाई वहाँ हो रही थी लेकिन पथराव करना, आगजनी करना, इसको कितना सही मानते हैं? नहीं, बिल्कुल, मैं बिल्कुल, देखिए हम तो अहिंसा में विश्वास करने वाले लोग, कोई तरीका होता है अहिंसा के रास्ते से सब कुछ मिल सकता है, तो हिंसात्मक कार्रवाई जो हुई है मैं उसकी घोर निंदा करता हूं। अब क्या मांग करते हैं? नहीं, मेरी मांग है कि इसकी पूरी जाँच हो, कि इसकी जो शुरुआत हुई ये कैसे शुरू हुआ, और ये जो उतावलापन कुछ प्रशासनिक अधिकारी बहुत बड़ा अपने को समझते हैं, और बिना, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर सबसे बड़ा विषय होता है प्रशासनिक अधिकारी, और आज उस विषय में वो फेल हुआ। क्या मुख्यमंत्री से आपकी बात हुई है? मेरी मुख्यमंत्री जी से दो बारी वार्ता हुई, मेरी पहले भी उनसे वार्ता इस विषय में हुई थी और उन्होंने अपनी चिंता जताई और उन्होंने मुझसे यही कहा कि आप जितने लोगों से आप कह सके, तो मैंने जितने लोग को संभव थे, जो सीनियर लोग हमारे थे, हालांकि वो तो एक मॉब थी, किसी की सुन नहीं रही, लेकिन आज क्योंकि एक कोई मौलाना साहब, उनकी मृत्यु भी हो गई थी, तो जो यहाँ के शहर के जो बड़े मौलाना थे वो यहाँ मौजूद नहीं थे, अगर शायद वो होते तो आज शायद ये स्थिति नहीं। दोषियों पर कार्रवाई होनी चाहिए, इसे बिल्कुल, देखिए दोषी जो भी है, देखिए शुरुआत हमें करनी पड़ेगी कि कार्रवाई की शुरुआत किसने करी, उनका दोष क्या, उनकी कमी क्या रही है, बेचारे पुलिस बल जो ये ले गए, ये पुलिस के लोगों को जो चोट लगी उनके कारण से ले गए ना, तो ये बहुत बड़ा एक इस पर पूरी जाँच बैठनी चाहिए, और दोषी जो भी हो, देखिए संपत्ति, सरकारी संपत्ति पे आग लगाना, वाहनों पे आग लगाना, ये बिल्कुल कहीं पे भी ऐसी चीज़ कबूल नहीं हो सकती।